नमस्कार, मैं हूं रुखसार खान और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी पर देश प्रदेश बुलेटिन। 24 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी महानदी एडवाइजरी कंपनी के 3 आरोपियों को धमतरी पुलिस ने तेलंगाना हैदराबाद से 2 और छुरा गरियाबंद से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना मोबाइल नंबर और ठिकाना बदल रहे थे। आरोपी पुलिस को गुमराह करने ताला बंद कर मकान के अंदर रहते थे और करीब 80 मोबाइल एवं 160 EMI नंबरों का आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया। जब धमतरी पुलिस को इसके बारे में पता चला तो सिकंदराबाद पुलिस की मदद से करियर कर्मचारी बनकर सदम बेस में वहां पहुंचे और पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। SP ने बताया कि साथ ही इसमें शामिल अन्य लोगों का पता पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मामला है, ये इसकी कायमी 14/3/2019 को हुआ था। इसके प्रार्थी अमरा ध्वज कुंभकार इनने कोतवाली पे रिपोर्ट किया था, जिस पर से अपराध क्रमांक 126/2019 420 चिट फंड अधिनियम के तहत कायमी किया गया था। ये अपराध कायमी के पश्चात से आरोपी लगातार फरार थे। इनकी पतासाजी हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा था, किंतु आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना पता ठिकाना बदल रहे थे, अपने लोकेशन लगातार बदल रहे थे, मोबाइल नंबर भी बदल रहे थे। और जब हमारी पार्टी हैदराबाद गई, उस समय जब इनको पकड़ने हेतु गए तो कुरियर कर्मचारी बन के गए थे। ऐसे जगह पे रहते थे ये लोग और बाहर से ताला बंद रखे थे, तो पीछे दरवाजे से पड़ोसी के यहाँ से पीछे तरफ जाके इनको पकड़ा गया है। ये आरोपी इतने साहसी रहे कि लगातार इनके द्वारा अभी तक 80 मोबाइल और 160 IMI नंबर बदला गया है। तो ये हमारे हैदराबाद पुलिस ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हमने 2 आरोपी जिसमें यशवंत सोनकर पिता जीवनलाल सोनकर कुलियारी और चित्रसेन साहू पिता विजय साहू को सिकंदराबाद हैदराबाद से गिरफ्तार किए हैं, तथा 1 आरोपी ये जो हेमंत देवांगन है ये छुरा में रह रहा था तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सर कितने निवेशक, कितना करोड़ रुपए? अभी तक कुल 3000 निवेशक हैं, जिसमें से लगभग 24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी ये लोग किए हैं। सर इनके और भी कोई साथी है कि ये? नहीं, अभी और हैं, उनके पता तलाश कर रहे हैं। इनका मूल निवास यही कुलियारी और धमतरी है। ये तीनों के यहीं रहते हैं? बिल्कुल।